हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो ना तो सैंडविच है ना बर्गर है। आज मैंने इसे बनाया है सूजी और आलू से, जो कि बहुत ही टेस्टी है और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड का यूज़ नहीं किया है, यहाँ मैंने सूजी का यूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो एक मिक्सिंग बोल में मैंने डाल दी है यहाँ पर 1 कप सूजी, नॉर्मल सूजी, मोटी बारीक आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 कप दही, फ्रेश दही लें ध्यान रखें। और साथ में डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। सूजी जो कि पानी बहुत एब्जॉर्ब करती है, तो खाली दही सही नहीं रहेगा, हमें पानी भी मिक्स करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी मिला रही हूँ। हमें इसका ढोकले जैसा बैटर बनाना है, जो कि ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला हो। देखिए बैटर तैयार है और इसे ढक के हम रख देंगे करीब 10-15 मिनट के लिए, रेस्ट करने देंगे। ये देखिए बैटर बिल्कुल तैयार है और बाद में देखेंगे सूजी कितना पानी अब्जॉर्ब करती है, फिर और ज़रूरत के हिसाब से डाल देंगे। चलिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख रहे हैं सूजी थोड़ी फूल चुकी है, इसने काफ़ी पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो थोड़ा पानी हम और डालेंगे और ढोकले जैसा बैटर बनाने के लिए इसे थोड़ा सा हम पतला कर लेंगे। थोड़ा पानी मैंने और डाल दिया है और अब देखिए ये बैटर बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट बैटर बनके तैयार हुआ है। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में। और गैस पे रख दी है मैंने एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, और साथ में डाल रही हूँ मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच जीरा, और 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें राई। और इसे तड़कने देते हैं अच्छे से। और अब डालेंगे यहाँ पे 10-12 कड़ी पत्ते, फ्रेश है तो फ्रेश डालें, नहीं आपके पास सूखे रखे हैं तो वो क्रश करके डाल सकते हैं। और अब डालूंगी मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्च जो कि मैंने बारीक चॉप कर ली हैं। और अब डाल रही हूँ मैं 1 बड़ा प्याज स्लाइस किया हुआ, और अब इसे फ्राई कर लेंगे हम गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज फ्राई हो चुके हैं तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप मटर, फ्रोजन मटर मैंने लिए हैं, आप चाहें तो फ्रेश मिल रहे हैं आपके पास तो वो ले सकते हैं। और अब इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1/4 टेबल स्पून हल्दी। हल्दी मैं पहले इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। और इसे मिक्स कर देंगे। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 उबले हुए आलू जिनको मैंने मोटा मोटा अभी क्रश कर लिया है, और इसे भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से इनको। और अब डालेंगे बाकी के मसाले, जो यहाँ मैं डाल रही हूँ सबसे पहले 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, और 1/2 चम्मच ही डालेंगे इसमें धनिया का पाउडर। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक। नमक हमने सूजी में भी डाला था तो ध्यान से डालें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1/4 चम्मच इसमें डाल रही हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर। ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे सिंपल सा इसका मसाला बना रहे हैं। और जो ये आलू जो मोटे मोटे दिख रहे हैं इसे अच्छे से मैश कर देंगे। और यहाँ मैंने कुछ कटोरियाँ ले ली हैं इस तरह की, पहले इन्हें ग्रीस कर लेते हैं। तो अच्छे से इसे ग्रीस कर लें ताकि जो सूजी है वो ईजिली बाहर निकल आए बाद में। ये देखिए मैंने सारी ग्रीस कर ली हैं। और अब जो सूजी का हमने बैटर बनाया था उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, आप बेकिंग पाउडर अभी डाल सकते हैं, लेकिन वो डालें तो आप थोड़ा ज़्यादा डालें। और साथ में डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा पानी ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे इनो का यूज़ भी कर सकते हैं, तो 1/2 पैकेट यहाँ पे इनो डाल सकते हैं। अब ये जो हमने बैटर बनाया था इससे थोड़ा सा इस कटोरियों में डाल देंगे, करीब 1/3 ही हम इसे फिल करेंगे। और देखिए सारी फिल कर ली है मैंने। और अब इसे मैंने एक जाली में रख दिया है, यहाँ पे मैंने इडली पॉट की जाली ली है, आप चाहें तो कढ़ाई में भी इसे स्टीम कर सकते हैं। और ये पानी बॉईल हो चुका है और ये जाली इसके ऊपर रख देंगे। ध्यान रहे पानी बॉईल होने के बाद ही रखें ये जाली, पहले नहीं रखें। और इसे हम कवर कर देंगे। करीब 10 मिनट तक फुल फ्लेम पर हम इसे स्टीम करेंगे। ध्यान रहे इसे बीच में ढक्कन नहीं हटाना है इसका। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए अच्छे से फूल चुकी हैं ये जो इडली हमने बनाई थी। और एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से पकी है कि नहीं।
देखिए चाकू बिल्कुल साफ निकला है, यानी कि ये अच्छे से पक चुकी हैं, अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं। तो गैस बंद कर देते हैं और इसे रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। ये देखिए ठंडी हो चुकी हैं ये, और अब निकाल लेंगे इनको इन कटोरियों में से। उसके लिए पहले ये चाकू से इनके किनारे अलग कर देंगे ताकि ये इजीली बाहर निकल आए। ये देखिए कितनी इजीली बाहर निकल आई है और कितनी अच्छी और कितनी सॉफ्ट बनके तैयार हुई है, और कितनी स्पॉन्जी है आप देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई है हमारी ये इडली। तो हमारा ये सूजी वाला बर्गर बनके तैयार है, आप देख रहे हैं कितना अच्छा बना है। और अब बीच में से इस तरह से चाकू से कट लगा के हम दो बराबर हिस्सों में से काट लेंगे, जैसे कि बर्गर को काटते हैं। ये देखिए बहुत ही इजीली कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे इडली बनाते हैं सेम वही है। तो ये देखिए कितनी अच्छी जाली आई है इसमें, और ये बराबर कट के तैयार है। इसी तरह से बाकियों को भी हम काट लेंगे। ये देखिए कट चुकी है बाकी भी। और अब ये जो मसाला हमने बनाया था ये ठंडा हो चुका है, और इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे टमाटो केचप। आप चाहें तो यहाँ पे हरी चटनी भी लगा सकते हैं, धनिया और पुदीने वाली, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। और आप चाहें तो यहाँ पे मेयो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ घर का बना हुआ जैसे बर्गर होता है सेम वैसा ही बना रही हूँ, तो हम ज़्यादा चीज़ों का यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। और ये जो आलू का मसाला बनाया था इसे अच्छे से इसमें फिल कर देंगे बराबर इसके, और इसे ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए लग रहा है अपना बिल्कुल बर्गर जैसा। तो इसी तरह से बाकी के भी हम फिल करके रख लेंगे। ये देखिए सारे हमने फिल कर लिए हैं, सैंडविच बनके तैयार है हमारे। और अब इसे हम हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने तवा गरम कर लिया है, उसमें डाल रही हूँ मैं 3 छोटे चम्मच तेल। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, हल्का सा ये गर्म होने दें इसको, चारों तरफ इसे फैला दें। और इसमें हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ी सी मैं राई डाल रही हूँ, करीब 1/4 चम्मच, और थोड़ा सा ही मैं इसमें डाल रही हूँ तिल। सफ़ेद तिल लिए हैं मैंने, बहुत अच्छे लगते हैं ये, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि बर्गर में भी डाला जाता है, तो सेम उसी तरह से मैंने भी इसमें डाला है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो बस ये तड़क चुके हैं, और जो हमने बनाए थे ये सूजी के बर्गर, ये इसके ऊपर डाल देते हैं। और हल्का सा दबा दबा के इसे हम सेकते रहेंगे, चारों तरफ घुमाते रहेंगे ताकि सब तरफ से अच्छी तरह से ये सिक जाए और एक सा कलर आए। थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं साइड में, बस थोड़ी 2 मिनट के लिए हमें इसे सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकेंगे, ज़्यादा क्रिस्प हो जाएंगे वरना ये। ये देखिए वाओ कितना अच्छा कलर आया, और आप देख रहे हैं बिल्कुल लग रहे हैं बर्गर जैसे। ये सारे सिकर के तैयार हैं, और इसे निकाल लेते हैं हम, सर्व कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म सर्व करें, आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, आप शाम को चाय के साथ भी इसे ले सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेंगे। और बच्चों को टिफ़िन में भी आप ये रख सकते हैं, बच्चे बड़े एंजॉय करके खाएंगे और टिफ़िन पूरा ख़त्म करके लाएंगे। तो देखने में ये जितने सुंदर हैं खाने में भी उतने ही अच्छे हैं, और टेस्टी के साथ हेल्दी तो हैं ही, क्योंकि हमने इसे सूजी से बनाया है आज, और आलू से बनाया है जो कि बच्चों को बहुत पसंद है आलू। तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।